हेलो व्यूअर्स, अभी मैं जा रहा हूँ पापा के साथ मार्केट। वैसे आज मुझे वैक्सीन लगाना जाम यार, लेकिन गया नहीं हो भाई, पंचर हो गया। तो आज मुझे वैक्सीन लगाने जाना था और लाइसेंस के लिए भी करवाना था। लाइसेंस भी नहीं है भाई मेरे पास, सोचो क्या होगा अगर पकड़ा गया तो। अच्छा खासा चालान काटेगा। वैसे उस तरफ जाता ही नहीं जल्दी जहाँ पर पकड़े। इंटेलिजेंट नो, अब अपना ही क्या तारीफ करो। अच्छा अरे नहीं यार, ऐसे ही जो भी है ऐसे ही है। तो अभी जा रहे हैं मार्केट फिलहाल। तो आप कुछ फरमाइश भी कर सकते हैं आप लोग, किसी प्रैंक करना या कोई चैलेंज किसी टाइप का भी आप लोग दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो करूँ, कोशिश करूँगा ही, बस देना। अच्छा अच्छा भाई, ऐसा ऐसा मत दे देना कि भाई मार पड़ जाए किसी से। तो हम लोग मंडी पहुंच गए, सब्जी मंडी, जहां से सब्जी लेंगे। पापा हाथ दे दिए। तो कभी भी क्रॉस करते हैं रोड तो हाथ दीजिए या इंडिकेटर दीजिए, नहीं तो ठुकाने का आशंका बढ़ जाता है। तो अभी मैं यहीं पर पार्क करूंगा गाड़ी। अरे अंकल जी, यहीं कहीं आसपास में पार्क कर दूंगा। वैसे पूरा भरा हुआ है लेकिन गाड़ी निकलती है तो वहां पर पार्क कर दिया जाएगा गाड़ी को। वहां पार्क करें या पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है। ओह ये निकली गाड़ी, यहीं पर पार्क करेंगे। ओ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलने के लिए भी दिक्कत होगी। अब पापा आगे निकल गए, अभी हम लोग भी जाएंगे। ओके ओके ओके, पहली बार आपको प्रॉपर व्लॉग मिलेगा मार्केट का, नहीं तो ऐसे डर डर के बनाता था मैं व्लॉग। लेकिन आज कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, कॉन्फिडेंस मेरा दोस्त मिल गया यहाँ पर। कैसा है, अकेले आया है? ओ आंटी के साथ। लो लो हम भी पापा के साथ आए हैं। चलो ठीक मिलते हैं। भाई यहाँ लगभग कॉलोनी का और भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर यहीं पर आते हैं। बुट्टी मोड़ यहाँ बास पड़ता है ना, बुट्टी मोड़ के आसपास का सब लोग यहीं आता है। ये रहे पापा। तक मैं थोड़ा मार्केट देख लेता हूँ। वैसे ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, यहाँ पर एक यहाँ नीचे में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नया नया बना है। तो यहाँ पर बार्गेनिंग बड़ी हैवी होती है, बार्गेनिंग जो भी करते हैं एकदम, मतलब 20 रुपए का है तो उसको 15 या 10 इस आसपास करवा देते, तो सोचिए कितना हैवी बार्गेनिंग होता है। लेकिन बार्गेनिंग ये ले रहे हैं, ठीक है लीजिए। तो ये लिए हैं पापा। क्या है, क्या ये बैगन? बैगन है, बैग में डाल लूं? तो इसको बैग में डाल देते हैं। इसमें ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ चोरी हो गया तो बाबू बैगन चोरी हो जाएगा, हम लोग का खेती खेती चोरी हो जाएगा। और यहाँ पर लोग बहुत लोग देख रहे हैं। ओह पहली बार प्रॉपर मैं व्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पर। सोचा था एक टाइम सिर्फ व्लॉग बनाऊं जिस जगह पे मैं पर्टिकुलर हूँ, जिस जगह प्लेस पे हूँ। तो जैसे अभी मैं मार्केट में हूँ तो मैं सोचा यहीं का व्लॉग, एक प्रॉपर व्लॉग बना के आपको दूँ। भाई बड़ा गजब बेचता है एकदम,
किलो किलो ले लो ले लो ले लो। ये बंदा बड़ा हैवी बेच रहा है भाई, बताइए कैसे कैसे करते हैं, लूट लेते हैं बहन जी आप लोग भी, ये सब बोल रहा है। पूरा भीड़ है बाबू इसी के पास, एक ही बार में पार। चलो जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। राहुल चाचा बोल बहुत रहा है। दस रुपए भिंडी है तो किसी को भी लेना है तो इसके दुकान के पास आइए, दुकान का नाम पूछ लेंगे, इनकी दुकान के पास आइए और दस रुपए भिंडी लेके जाइए। ये आज का ऑफर है, बस आज भर का ऑफर है। नहीं चाहिए, नहीं होगा जी, यहाँ 5 KG मत है, लीजिए 5 KG मत है, दीजिए बाबू पकड़ लेता। 15-15-20 चलिए चलिए चलिए, कितना बड़ा उठाओ, 15 में उठाओ, उठाओ 15 लग रहा, फेंक के मार रहा लो, नहीं तो मार गए फेंक खा के। मार्केट में आते हैं तो इंटरटेनमेंट हो जाता है यार, मार्केट का एकदम बीच वाले हिस्से, सॉरी 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 भाई। तो अभी हम लोग मार्केट के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में आ गए भाई, अगल बगल वाला देखते हुए जा रहा है। अच्छा वो हेलमेट पहना हुआ, कोई देख नहीं रहा मेरा एक्सप्रेशन, अरे ये कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है। सबका यहाँ जगह फिक्स है, जैसे आप कभी भी आते हैं अगर एक जगह से सामान ले रहे हैं तो वहीं पे आपको दूसरा दुकान नहीं मिलेगा, वही दुकान मिलेगा, सब अपने हिसाब से बना के रखा है अपना अपना एरिया। और पता नहीं यहाँ का क्या है कि खरीदा है, मतलब कि उस टाइप से नहीं खरीद तो नहीं सकता है भाई। यहीं पे सामने पुलिस स्टेशन है, ये जो लंबा सा पेड़ देख रहे हैं ये पुलिस स्टेशन की बाउंड्री है, वहीं पर वहीं पुलिस स्टेशन है। और ये मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई दिया था, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जो पकड़ाती है वो यहाँ पर आती है, जहाँ देख रहे हैं ट्रक खड़ा है, ऑटो ऑटो जो भी है सब सड़ रहा है जंग कह के। पापा को मशरूम, घर में मशरूम बहुत पसंद है सबको, तो मशरूम भी ले रहे हैं पापा। अभी कुछ भी नहीं है, लैपटॉप या कैमरा DSLR कुछ भी नहीं, जो है मेरा फ़ोन है। अब भगवान ने चाहा तो और सब आएगा धीरे धीरे, फिलहाल जो भी है उसी से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बस निकल जा रहा है, काफ़ी अच्छे से ब्लॉग शूट हो रहा है मेरा, बस थोड़ा सा एडिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि थोड़ा पुराना फ़ोन है, प्रोसेसर भी थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन इतना भी पुराना नहीं हुआ है, वो काफ़ी अच्छा रन करता है इसमें हर ऐप, रेंडर बहुत अच्छे से होता है, वीडियो को जो बना के मैं निकालता हूँ रेंडर करके अपलोड करने के लिए तो बहुत आराम से यूज़ हो जाता है। बोल रही आधा किलो का कितना, 25 लगेगा और 1 किलो का 40 लगेगा, मीन्स आधा किलो का 50 के हिसाब से काट रही है। वाला मार्केट है इसके उस तरफ किसका है देख ही रहे होंगे, छाता थैला बैग मतलब कपड़ा का है, कपड़ा का मार्केट है उधर, काफ़ी सस्ते में कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, लेकिन टिकेंगे नहीं टिकेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता भाई, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी दुकान नहीं है ना, मेरी होगी तो उसकी लूँगा गारंटी। और पापा मम्मी से बात कर रहे हैं, मम्मी पूछ रही क्या क्या ले लिए, कितना में लिए, कैसा रेट चल रहा है, ये सब। हेलमेट पहना हुआ है तभी मैं अपना शहर आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ,
कैमरा पहना हुआ है, प्लस मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है, तो उसी में मैंने कैमरा फिक्स कर लिया है और उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे नीचे का दिख नहीं रहा है कुछ भी, कभी पत्थर आ रहा है, कभी किसी का पैर आ रहा है, पता नहीं एक बार कहीं गिर गया ना मुँह नाक बैंड हो जाएगा। अटकना नहीं भाई, वैसे भी इस बैग का एक चेन अटका हुआ है जो हिलता भी नहीं है, इतना गंदा अटक गया है। सो अभी तो अंधेरा हो रहा है, तो घर जाते हुए तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सो अभी घर आ गए, सब सामान निकल रहा है, अभी निकाल आते ही। खीरा मेरे को भी दे, एक दे बस। हम लोग ट्राई करेंगे, ये देख उसको निकाल देना। लेके आए तो हम ही लोग ना, हम ही लोग तो लेके आए। मैं कौन सा बोरी मैं लेके आई।